कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो अभी मम्मी ने जो है लंच बॉक्स पैक कर दिए थे, आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि क्या था आज। आज थे मीठे चीले, जो कि मम्मी ने नीलाक्ष और मेरे लिए दोनों के लिए पैक कर दिए हैं। अभी मम्मी भर रही थी हमारी पानी की बोतल। मेरा उस पर पूरा रेडी हो चुका है, बस मेरे बाल बनने रेडी हैं। बोतल भी भर चुकी है, ये देखो ये पूरा रेडी हो चुका है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए आज मैं अपने गार्डन से तोड़ के लाई हूँ प्याज के पत्ते। आज इसकी सब्जी बनाऊँगी और ये तड़के के लिए भी सही रहता है। दिन में कुछ बनाऊँगी दाल वगैरह तो उसमें तड़का भी लगा दूँगी, और दो चार आलू काट के इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी हो जाती है और बच्चों को भी अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। और अभी हो रहा है दिन में 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। अभी मैं बनाने आई हूँ किचन में चाय, क्योंकि मम्मी कह रही थी आज ठंड लग रही है। छत में गई थी अभी तो छत में बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो कह रही थी कि ठंड लग रही है, चाय पीने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा चलो चाय बना करके देती हूँ। यहाँ मैं फ़ोन में बात कर रही थी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, जहाँ से कल भैया आए थे हमारी वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए, लेकिन वॉशिंग मशीन ठीक नहीं हो पाई। तो मैं आज उनसे बोल रही थी कि एक बार फिर से आके चेक कर लें। अभी हो गई है मेरे दिन के खाने की तैयारी। दिन में मैं आज पुलाव बना रही हूँ, वेज पुलाव बनाऊँगी। तो बच्चे तो दोनों पसंद करते हैं वेज पुलाव, लेकिन और हमारा भी पेट भरा ही था, सुबह नाश्ता हम हैवी कर लेते हैं। तो अभी दिन में खाने की इच्छा तो नहीं होती, लेकिन ये है कि थोड़ा बनाना है तो बनाना ही है। बच्चे आएंगे स्कूल से तो उन्हें भी चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो हल्का फुल्का पुलाव ही बना लेती हूँ। तो उसी की तैयारी में मैं यहाँ पर लगी हुई हूँ। बन चुका है मेरा पुलाव और बच्चे दोनों आ गए हैं स्कूल से, तो दोनों को पुलाव रख के दे देती हूँ। नीलाक्ष को तो दे दिया और घी मैंने डाल दिया है। पुलाव का असली टेस्ट घी में ही से ही आता है। माई खा रही है पुलाव, बताओ कैसा हो रहा है। तो अभी जा रहे हैं नीलाक्ष एक हफ्ते बाद ट्यूशन। और कैसे लग रहा है ट्यूशन जाते समय? कैसा लगा नीलाक्ष बता दे। अच्छा लग रहा है, नीलाक्ष को लग रहा होगा कहाँ फंस गए। तो चलो नीलाक्ष ट्यूशन जा रहा है और मैं टीवी देख रही हूँ। बाय बाय दोस्तों। बाबे आज तो बाहर ऐसा हो रहा है, बाल खड़े हो जा रहे हैं पूरे, छत के कपड़े सारे इधर से उधर इधर से उधर, इतनी तेज हवा चल रही है ना पूछो मत। आजा माही, पापा भी आ गए, जल्दी आजा। अभी हो गया है रात के खाने का टाइम और खाना वगैरह मैं बना लेती हूँ। अब सब्जियाँ मैंने बना दी हैं, आटा मैंने लगा दिया है, चलो आपको दिखाती हूँ। बर्तन भी इतने सारे हो जाते हैं ना पूछो नहीं। अभी पूरा टब खाली करके बर्तन लगाया था और फिर उसके बाद जब बर्तन ये साफ करे ना फिर से पूरा टब भर गया। लेकिन अभी मैंने सारे जितनी सब्जी बनाई थी ना
वो सारे बर्तन लौटा करके सब साफ़ कर दिए हैं। सब्जियां डोंगों में पलटा दी। सब्जी मैंने बनाई है, यह है प्याज के पत्ते, आलू और मटर की सब्जी। प्याज के पत्ते वही हैं जो मैं सुबह छत में से लेकर के आई थी अपने गार्डन से। और ये बनाई है दाल पालक, इसमें है दिन का पुलाव है, ये तो थोड़ा सा रह गया है, बच्चों ने खा लिया। बाकी इसमें क्या है, अरे हाँ इसमें तो है दाल, वो दाल पालक के लिए चने की दाल भिगाई हुई थी ना, तो वो ज़्यादा हो गई थी तो मैंने बचा दी। मैंने कहा सुबह कुछ पीस करके बना दूँगी मिक्स करके। और ना यहाँ पर मेरा आटा भी तैयार हो चुका है और अब बस मुझे एक रोटी बनानी है, तो इन लोगों को बोलती हूँ कि खाने के लिए तैयार हो जाए और मैं रोटी बना देती हूँ। तो वहाँ मैंने रख दिया है बस। अब चलो मैं आप रोटी बनाती हूँ और आप लोग। तो अभी मैं जिस मैंने आपको बताया था कि सबका खाना हो चुका है, तो मैं जाऊंगी देने कुत्ते को। तो यहाँ मैं रख देती हूँ कुत्ते के लिए खाना। देखते हैं अभी कुत्ता है यहाँ पे नहीं। अभी तो यहीं था पर अभी शायद से नहीं है, तो मैं जो इसको यहीं पे रख देती हूँ। तो बस आज का व्लॉग हम यहीं एंड कर देते हैं। आई होप कि आप सभी को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल में वो सब्सक्राइब भी कर दो। बाय बाय।